अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं बेसिकली ऑफर सेंड करने वाला था क्लाइंट को, तो हमारी जो बात वगैरह हो गई थी सारी डील, ठीक है, हमारी प्राइसिंग पे भी बात हो गई थी हर तरह। मतलब मैंने उसका पूछ लिया था कि कैसे क्या उसको, मतलब जो एग्जैक्ट वर्क चाहिए वो क्या है, और उसकी डिटेल्स वगैरह उसने मुझे बता दी इनबॉक्स में, और मतलब ओवरऑल हमारी बात हो गई है। तो अब मैंने उसको ऑफर सेंड करनी थी, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ कैसे सेंड करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये और मेरे और क्लाइंट के मैसेजेस हैं। काफ़ी लंबी हमारी चैट हुई है, और उसका काम भी, उसका प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है। तो सिंपली आपने क्रिएट एंड ऑफर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी गिग सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी, जिससे मतलब आप, आपको पता होगा ना कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उस हिसाब से आपने अपनी गिग सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये सेंटर वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपने पेमेंट मेथड देखना है, वो तो आप जब क्लाइंट से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लाइंट को कि क्लाइंट ने आपको किस तरह पे करना है, ठीक है। उसने मतलब माइलस्टोन में पे करना है। माइलस्टोन होता है कि थोड़ा सा आपने काम करके दिया तो उसने पे कर दिया, वो पे जो होगा, जो अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। और जो सिंगल अमाउंट पेमेंट होती है, ये होता है कि इसमें ये होता है कि ना आप काम करके देते हैं तो आप डिलीवर कर देते हैं, देन जो होती है ना अमाउंट, ओवरऑल अमाउंट आपके अकाउंट में आती है, तो उसका आपको पता है 14 दिन बाद आपके अकाउंट में आती है। तो मैं यहाँ पे सिंगल अमाउंट पेमेंट पे करूँगा क्योंकि मुझे ओवरऑल पेमेंट चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने सारी डिटेल देनी है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना है हमने ऑफर को कि किस तरह उसको शो हो और क्या लिखा हुआ जाए उसके पास। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। तो मैंने ये पहले से लिखा हुआ है, मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी किया हुआ था, ठीक है, पहले से लिखकर। तो नेक्स्ट हमने देखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो मतलब क्लाइंट को चाहिए हो, उस हिसाब से हमने बताना है कि क्लाइंट को बताना है कि हाँ भाई मैंने ये हमारी जो बात हुई थी तो अब मैं आपको ऑफर सेंड किया तो काइंडली एक्सेप्ट कर लें, इस तरह कुछ बताना है, ठीक है। तो मेरे वाला ना कॉपी कीजिएगा, इस तरह फिर आपको पता है चेंज होना चाहिए अकाउंट में। देन हमने रिविजन्स पे जाना है, यहाँ से हमने देखना है, मैं इसको अनलिमिटेड मतलब 20 होता है ऑलमोस्ट ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है, तो मैं 20 सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन हमने टाइम जो है मैंने इससे ज़्यादा मांगा है, तो उसने मुझे कहा था कोई मसला नहीं है, जब तक आप कम्प्लीट नहीं कर लेते आप इजीली मतलब स्कूल से करी, तो मैं 15 दिन ले लेता हूँ उससे। तो यहाँ पर मैंने इससे $120 पर हमारी बात की, ठीक है, प्राइस की, और रिक्वेस्ट को इसकी रिक्वेस्ट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सारा इसने पहले बता दिया इनबॉक्स में। ये रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स का मतलब, यहाँ पे अगर आपको क्लाइंट ने क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स नहीं ना दी तो इस पर आपने टिक कर देना है, तो उसको ना जब हम यहाँ पर सेंड ऑफर करेंगे तो उसको शो हो जाएगा कि इसने बायर ने, जो सेलर है ना, सॉरी जैसे मैं हूँ, मैंने इसको मतलब रिक्वेस्ट किया कि मुझे रिक्वायरमेंट्स भी देगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं अनटिक कर देता हूँ। देन हमने यहाँ पर अमाउंट देनी है, मतलब मैंने इसको 18 डिज़ाइन बना कर देनी है, तो मैं 18 लिख दूँगा, जो भी मतलब आपने अपने हिसाब से देखना है। इमेज सोर्सिंग करनी है, कस्टम डिज़ाइन अगर आपने देना है या सोर्स फाइल, तो मैं इसको यहाँ पर दो चीज़ें दे रहा हूँ, थंबनेल्स, नंबर ऑफ थंबनेल्स 18 दे रहा हूँ, और सोर्स फाइल इसको मैं दे रहा हूँ इन सारे डिज़ाइन, ठीक है, PSD हो जो भी हो। तो यहाँ पर हम सिंपली सेंड ऑफर पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह शो होगा आपका, ये देखें यहाँ पे अमाउंट आ रही है जितनी मैंने सेलेक्ट की है, बाद में जो मैंने लिखा है वो आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी तो पहले बात हो गई है, आपने अपने हिसाब से देखा है। तो ये आसान सा तरीका है, योर ऑफर इंक्लूड्स, यहाँ पर हमने देखना है, ये देखें जो मैंने ऑफर में ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट किए हैं वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। 15 दिन मैंने डिलीवरी के लिए हैं इससे, और 18 डिज़ाइन हैं, और सोर्स फाइल भी दूंगा इनकी। देन हम सिंपली यहाँ से सेंड कर दिया ऑफर को। अब ये क्लाइंट पे है, अब उसने जब ऑनलाइन होना है तो यहाँ पर देखना है, तो उसने एक्सेप्ट कर लेनी है ऑफर, तो मेरे यहाँ पर लिखा देगा ऑफर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो गाइज ये था सिंपल सा मेथड, आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ अगर आपको ये नहीं पता कि क्लाइंट किस तरह रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की शो होती है और किस तरह हमने उसको देखना है और किस तरह हमने रिस्पॉन्स करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।